आइए सबसे पहले जिस उपलक्ष्य में आप और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसी उपलक्ष्य की एक रागनी कि हमारा सभी का मानना एक होना चाहिए कि जब रात को हम सोएं तो दो इंसानों को हमेशा याद करके सोना चाहिए। एक है हमारे हिंदुस्तान का जवान और दूसरा है हमारे हिंदुस्तान का किसान। इसके अलावा किसी को शुक्रिया कहने की हमें जरूरत ही नहीं है। आइए कि जब एक हट्टा कट्टा नौजवान शहीद होता है हमारे देश के लिए अपना घर परिवार छोड़कर, तो आप सोच भी नहीं सकते उसके दर्द की अवस्था, उसके घर की अवस्था, उसके परिवार की अवस्था। हम खाली एहसास कर सकते हैं लेकिन महसूस वही कर सकता है जिसपे बीतती है। आइए एक शहीद होते होते अपनी इच्छा जाहिर करता है और बताता है सभी की सुनी सुनाई रागनी। लेकिन कहा करते हैं कि हर कलाकार का अपना अपना अंदाज हुआ करता है, अपने अंदाज के साथ चलते हैं। कुछ बातें सुनने की होती है, कुछ बातें देखने की होती है, कुछ बातें महसूस करने की होती है। ये सुनने के साथ साथ महसूस करने की है। अच्छे लगे तो सराहिएगा। आइए जैसे किस प्रकार से झोंक दी, लिख चिट्ठी में गेर दी। आइए मास्टर जी मीठा मीठा कहने लगा कि भाई इस चिट्ठी में सबसे पहला उनने राम राम लिखियो जिनने मेरे से जन्म दिया और यहाँ देश की रक्षा खातर छोड़ दिया। आइए किस प्रकार से पहली बात में मीठा मीठा क्या कहने लगा, क्या कह दिया। Yeah.
भाई, दूसरी बात भी लिखनी पड़ेगी, और दूसरी बात तुमने उस खातर लिखनी है जिसने बेरा था कि मेरा ब्याह हिंदुस्तान पे हो रहा है, फिर भी मेरे ब्याह के आई। एक बार उन विधवाओं के लिए ताली बजा दो जो आज शहीद हैं, जोरदार ताली, ये डिजर्व नहीं करते वो। आइए के कहने लग गया कि उसने क्या लिखना पड़ेगा, आइए कि मेरे घर की इज्जत है और मेरे घर की इज्जत नीलाम ना हो जा, के कह दिया हेलो हेलो नमस्कार जी, मेरे को भी पता चला। एक बार जी, ये जितने भी पहले रो में बैठी है ना, ये शेरनी, शेरनी बोलते हैं इनको, ये शेरनियां बैठी है, अपना हट्टा कट्टा बेटा देना ना किसी के बस की बात नहीं होती, इनके लिए तालियां बजाओ। आप 10 मिनट याद कर लेंगे, 20 मिनट याद कर लेंगे, ये वो बैठे हैं जो पूरी जिंदगी याद करेंगे, जोरदार ताली बजा दो एक बार। आइए के लिख दिया दूसरी बात में, के कहेगी मर गए, लेकिन फिर भी उसके मुंह से यह निकलेगा कि पापा की तरफ फौजी बनूंगा। ये मेरी आजमाई हुई बात है, सच है बिल्कुल। ये हमारा इंडिया ही कर सकता है, ये हमारे हिंदुस्तान में ही हो सकता है। कहना कि मैंने देश से कोई लेना देना नहीं, मैंने हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, बस एक परिवार, मेरा परिवार है, मैंने याद रखा है, मैंने पतीरा। आइए क्या कहने लगे तीसरी बात में,
राजा पक्की परिया देश धर्म पर शिक्षा पद बात बताने क्या लिख दिया जोरदार।